एक फिल्म में तीन खूबसूरत और दिग्गज एक्ट्रेसेस हो तो वाकई में उस फिल्म का समा कुछ अलग ही होता है। और इस फिल्म में कि ओपनिंग के लिए आपको किसी बड़े हीरो की ज़रूरत नहीं है। करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन काफ़ी हैं दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींचने के लिए। फिल्म क्रू मैंने देखा प्रेस थ्रो में और मुझे ये फिल्म अच्छी लगी। सबसे पहले मैं बताऊं कि जब मैं ये फिल्म देखने बैठी तो मैं एक लय में पूरी फिल्म देखती चली गई। मुझे कभी भी उबासी नहीं आई, ओह क्या दिखा रहा है ये सब कुछ नहीं। एक लय में पूरी फिल्म मैं देखी और फिल्म देखने के बाद मेरे मुँह से इतना अच्छी फिल्म है। तो मैं आपको बताऊँ कि ये कहानी है गीत सेठी की, जास्मीन की और दिव्या। ये तीन लड़कियां हैं, अलग अलग एज की हैं और ये जो है एक डूबते हुए एयरलाइंस में काम कर रही हैं, कोहिनूर एयरलाइंस है और इसमें ये एयर होस्टेस हैं। इनको सैलरी नहीं मिल रही है, बस ये जो डेली जाती आती हैं उसमें कुछ इनको अलाउंस मिल जाता है और उन्हीं पे उसका इनका जो है खर्चा चल रहा है। बहुत परेशान है, आर्थिक तंगी है, इनको पता है कि इनकी कंपनी बचने वाली नहीं है और घर के खर्चे हैं, कर्जे हैं। तो ये तीनों की अलग अलग कहानी है और तीनों को पैसे की ज़रूरत है। इसी में ये एक ऐसा कांड करती हैं जिससे ये बुरी तरह से फंस जाती हैं। ये करती हैं सोने की स्मगलिंग और उसी में ये पकड़ी जाती हैं। पकड़े जाने के बाद क्या होता है, क्या ये कस्टम की गिरफ्त से बच पाती हैं, क्या ये अब जिस कंपनी में काम कर रही हैं वहाँ के जो मालिक हैं उनसे अपनी सैलरी निकल पाती हैं, क्योंकि 6-6 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली थी। तो ये कहानी मैं पूरा नहीं खोलूंगी, अब मैं आपको बताती हूँ कि फिल्म में सबका काम कैसा है। करीना कपूर जो है इस फिल्म में आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है कि उनका रोल थोड़ा डिफरेंट है। वो चोरनी है, खूबसूरत हैं, हॉट हैं, बिंदास है। तो जैस्मिन का जो किरदार है वो आपको थोड़ा अट्रैक्ट करता है क्योंकि हर समय जो है कुछ न कुछ गड़बड़ जैस्मिन करती है और कई बार जैस्मिन ही अपनी टीम के लोगों के लिए सेवियर भी बनती है। तो जैस्मिन के किरदार में करीना कपूर चमकी हैं, भले ही वो 40s में आ गई हैं लेकिन इस फिल्म में जो है आप उनको देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, हॉट लग रही हैं। उन्होंने बहुत ही बोल्ड कपड़े पहने हैं और उनको देखकर लगता नहीं कि वो दो बच्चों की माँ हैं। अब बात करते हैं तब्बू की। तब्बू बहुत ही मंझी हुई एक्ट्रेस हैं और ये इन्होंने आज नहीं बल्कि 90s में ही प्रूव कर दिया था। तब्बू जब भी किसी फिल्म में होती हैं तो वो उस फिल्म में अपना एक्स्ट्रा एफर्ट ऐड कर देती है और यहाँ भी कुछ ऐसा है। यहाँ इस फिल्म में तब्बू की एक्टिंग जो है आपका दिल जीतती है, तब्बू आपको पसंद आती हैं। उनके जो वन लाइनर्स हैं, उनके जो डायलॉग्स हैं या फिर वो जो अपनी दोनों जूनियर्स पे जिस तरह से हावी होती हैं वो देखने में आपको मज़ा आता है कि एक सीनियर किस तरह से अपने जूनियर्स एम्प्लॉय के साथ बिहेव करती है, वो आपको यहाँ पर दिखता है। अब बात करेंगे कृति सेनन। ये इन तीनों में सबसे यंग हैं, हॉट हैं और बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है, बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। तो तीनों एक्ट्रेसेस जो हैं अच्छी लग रही हैं, बढ़िया एक्टिंग कर रही हैं और इस फिल्म को देखते वक्त मुझे कभी भी जो है ये नहीं लगा कि यार इस फिल्म में हीरो नहीं है या फिर कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि ये तीनों ही जो है आपको बढ़िया से एंटरटेन कर रही हैं। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ भी हैं जिन्होंने कस्टम अधिकारी का रोल किया है और साथ ही वो कृति सेनन के लव इंटरेस्ट हैं, तो वो भी जब पर्दे पर आते हैं तो अच्छा लगता है, बढ़िया काम उन्होंने किया है। इसके अलावा जो साथी कलाकार हैं उनका काम भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये पूरी फिल्म जो है आराम से तब्बू, करीना और कृति सेनन ने जो है खींच ली है, बढ़िया है। और आपको बता दें कि गुड फ्राइडे की छुट्टी की वजह से इस फिल्म को ओपनिंग भी अच्छी मिली है। नवंबर 2022 में इस फिल्म का ऐलान किया गया था और मार्च 2023 में जो है फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी। इस फिल्म की शूटिंग हुई मुंबई, गोवा और अबू धाबी में। तो ओवरऑल ये एक बढ़िया फिल्म है, राजेश कृष्णन ने इस फिल्म को बनाई है और कहानी भी अच्छी है, बढ़िया लगता है। आप फिल्म में कहीं बोर नहीं होते और यही एक डायरेक्टर की खासियत होती है कि वो फिल्म को इस तरह से संभाले कि कभी भी दर्शक जो है उस फिल्म से उबे नहीं। फिल्म के गाने अच्छे हैं, बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं तो गाने जो भी हैं, एक तो चोली के पीछे गाना आप लोगों ने देखा होगा वो भी बढ़िया है, दूसरी तरफ एक गाना दिलजीत दोसांझ के साथ है जो फिल्म में क्रेडिट रोल में आता है, वो गाना भी आपको सुनने में अच्छा लगता है। तो ओवरऑल एक बढ़िया फिल्म है। मैं आपसे ये कहूँगी कि ये जो फ्लाइट है इसमें आप सवार हो जाइए क्रू नाम की फ़्लाइट पे, और इस फिल्म के जो क्रू है करीना, तब्बू और कृति, ये तीनों आपको श्योरली एंटरटेन करेंगी। मेरी तरफ से इस फिल्म को है 4 स्टार।